पर्ल में कमेंट्स पर स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे पर्ल में कमेंट्स। मैं उबंटु लिनक्स 12.04 ऑपरेटिंग सिस्टम और पर्ल 5.14.2 का उपयोग कर रहा हूँ, जो है पर्ल रिवीजन 5 वर्जन 14 और सब वर्जन 2। मैं जीएडिट टेक्स्ट एडिटर का उपयोग भी करूँगा। आप अपने पसंद का कोई भी टेक्स्ट एडिटर उपयोग कर सकते हैं। आपको पर्ल में कंपाइलिंग, निष्पादन और वेरिएबल्स का बुनियादी ज्ञान होना चाहिए। यदि नहीं तो संबंधित स्पोकन ट्यूटोरियल्स के लिए स्पोकन ट्यूटोरियल की वेबसाइट पर जाएं। पर्ल में कोड के भाग को दो तरह से कमेंट कर सकते हैं, सिंगल लाइन, मल्टी लाइन। इस प्रकार के कमेंट का उपयोग किया जाता है जब यूजर कोड के सिंगल लाइन को कमेंट करना चाहता है या कोड के भाग की कार्यक्षमता को समझाने के लिए एक लाइन के टेक्स्ट को जोड़ना चाहता है। इस प्रकार का कमेंट हैश सिंबल के साथ शुरू होता है। यहाँ एक डेमो है। टेक्स्ट एडिटर में एक नई फाइल खोलें, टर्मिनल खोलें और टाइप करें gedit comments.pl /ampersand। फिर आपको याद दिलाता हूँ कि ampersand का उपयोग टर्मिनल में कमांड प्रॉम्प्ट को मुक्त करने के लिए किया जाता है और एंटर दबाएं। अब निम्न कमांड्स को टाइप करें, हैश डिक्लेयरिंग काउंट वेरिएबल, एंटर दबाएं, डॉलर काउंट स्पेस इक्वल टू स्पेस 1 सेमीकोलन, एंटर दबाएं, प्रिंट स्पेस डबल कोट्स काउंट इज डॉलर काउंट स्लैश एन क्लोज डबल कोट्स सेमीकोलन स्पेस हैश प्रिंट्स काउंट इज 1। अब इस फाइल को कंट्रोल एस दबाकर सेव करें और पर्ल स्क्रिप्ट को निष्पादित करें। टर्मिनल पर जाएं और टाइप करें पर्ल -c comments.pl और एंटर दबाएं। यह हमें यह बताता है कि यहाँ कोई सिंटैक्स एरर नहीं है। अब टाइप करें पर्ल comments.pl और एंटर दबाएं। यह निम्न आउटपुट प्रदर्शित करेगा, काउंट इज 1। gedit पर वापस जाएं, gedit में पहली लाइन पर जाएं और एंटर दबाएं। पहली लाइन पर वापस जाएं और निम्न कमांड टाइप करें, हैश एक्सक्लेमेशन मार्क स्लैश usr स्लैश bin स्लैश पर्ल। पर्ल में इस लाइन को शेबांग लाइन कहते हैं और पर्ल प्रोग्राम में यह पहली लाइन होती है। यह बताता है कि पर्ल इंटरप्रेटर कहाँ ढूंढे। ध्यान दें, हालांकि यह लाइन हैश सिंबल के साथ शुरू होती है, यह पर्ल द्वारा सिंगल लाइन कमेंट के रूप में नहीं माना जाएगा। अब मल्टी लाइन कमेंट्स को देखते हैं। मल्टी लाइन, इस प्रकार की कमेंट का उपयोग किया जाता है जब यूजर कोड के भाग को कमेंट करना चाहता है या कोड के भाग का विवरण या उपयोग जोड़ना चाहता है। इस प्रकार का कमेंट इक्वल टू हेड सिंबल के साथ शुरू होता है और इक्वल टू कट के साथ समाप्त होता है। gedit पर वापस जाएं और निम्न को comments.pl फाइल में टाइप करें। फाइल के अंत में टाइप करें इक्वल टू हेड, एंटर दबाएं, प्रिंट स्पेस डबल कोट काउंट वेरिएबल इज यूज्ड फॉर काउंटिंग पर्पस क्लोज डबल कोट, एंटर दबाएं, इक्वल टू कट। फाइल सेव करें, इसे बंद करें और पर्ल स्क्रिप्ट निष्पादित करें। टर्मिनल पर टाइप करें पर्ल -c comments.pl और एंटर दबाएं। सिंटैक्स एरर नहीं है, अतः पर्ल comments.pl को निष्पादित करें। यह पहले की तरह ही आउटपुट दिखाएगा, काउंट इज 1। यह काउंट वेरिएबल इज यूज्ड फॉर काउंटिंग पर्पस वाक्य को प्रिंट नहीं करता है। यह इसलिए क्योंकि हमने इक्वल टू हेड और इक्वल टू कट का उपयोग करके भाग को कमेंट किया है। आप या तो इक्वल टू हेड, इक्वल टू कट या इक्वल टू बिगिन, इक्वल टू एंड का उपयोग कर सकते हैं। ये पर्ल द्वारा उपयोगित विशेष कीवर्ड्स नहीं है। कृपया ध्यान दें, यहाँ इक्वल टू चिन्ह से पहले और हेड कट बिगिन या एंड शब्द के बाद आगे या पीछे
कोई भी स्पेस नहीं होना चाहिए। एक बार फिर से टर्मिनल खोलें और टाइप करें gedit commentsexample.pl स्पेस ampersand और एंटर दबाएं। निम्न कमांड्स को टाइप करें जैसे स्क्रीन पर दिखाया गया है। यहां मैं दो वेरिएबल्स फर्स्ट नम और सेकंड नम को घोषित कर रहा हूं और उनके लिए कुछ वैल्यूज निर्दिष्ट कर रहा हूं। तब मैंने यहां इस भाग को कमेंट किया है। अब मैं इन दो नंबर्स को जोड़ूंगा और एडिशन नामक तीसरे वेरिएबल के लिए वैल्यू निर्दिष्ट करूंगा। अब मैं प्रिंट कमांड का उपयोग करके वैल्यू को प्रिंट करना चाहता हूं। फाइल सेव करें और टर्मिनल पर पर्ल स्क्रिप्ट को निष्पादित करें। टर्मिनल पर टाइप करें पर्ल हाइफन सी कमेंट्स एग्जांपल डॉट पीएल, एंटर दबाएं। यहां कोई सिंटैक्स एरर नहीं है, अतः पर्ल कमेंट्स एग्जांपल डॉट पीएल को टाइप करके पर्ल स्क्रिप्ट को निष्पादित करें, एंटर दबाएं। यह निम्न आउटपुट प्रदर्शित करेगा, एडिशन इज 30। यह हमें ट्यूटोरियल के अंत में लाता है। यहां हमने सीखा पर्ल में कमेंट्स जोड़ना, नंबर के स्क्वायर को पता करने के लिए पर्ल स्क्रिप्ट लिखना, सिंगल लाइन कमेंट और मल्टी लाइन कमेंट का उपयोग करके कोड की कार्यक्षमता को समझाना। निम्न लिंक पर उपलब्ध वीडियो देखें। यह स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट को सारांशित करता है। यदि आपके पास अच्छा बैंडविड्थ नहीं है तो आप इसे डाउनलोड करके भी देख सकते हैं। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टीम स्पोकन ट्यूटोरियल्स का उपयोग करके कार्यशालाएं भी चलाती है। ऑनलाइन टेस्ट पास करने वालों को प्रमाण पत्र भी देते हैं। अधिक जानकारी के लिए कृपया contact@spoken-tutorial.org पर लिखें। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टॉक टू अ टीचर प्रोजेक्ट का हिस्सा है। यह भारत सरकार के MHRD के ICT के माध्यम से राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा समर्थित है। इस मिशन पर अधिक जानकारी निम्न लिंक पर उपलब्ध है। आशा करता हूं कि आपने इस पर्ल के ट्यूटोरियल का आनंद लिया होगा। यह स्क्रिप्ट प्रभाकर द्वारा अनुवादित है। मैं यश वोरा आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।